नमस्कार, रात के 11 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारत वर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बहुत बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। इस्तीफों के बाद केजरीवाल ने विभागों का बंटवारा किया है। कैलाश गहलोत को वित्त विभाग दिया गया है, पीडब्ल्यूडी गृह विभाग भी सौंपा गया है। सोर्सेस से यह हमें जानकारी मिल रही है। राजकुमार आनंद को शिक्षा विभाग सौंपे जाने की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमार आनंद को दिया गया है। तो देखिए किस तरह से, पहले तो सत्येंद्र जैन और फिर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा, और उसके बाद विभागों का मंत्रालय भी बंटवारा भी कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जितेंद्र। जितेंद्र, जानकारियां जो आ रही हैं ये सोर्सेस से, क्या ये कंफर्मेशन भी है? बिल्कुल, ये कंफर्मेशन भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इस्तीफे की खबर भी टीवी ने भारतवर्ष ने ही दिखाई बताई थी। अब ये खबर भी पुष्ट हो गई है कि जो 18 विभाग जो है जो मनीष सिसोदिया के पास थे, उनका बंटवारा हो चुका है। इनमें से 8 विभाग जो है वो कैलाश गहलोत को गए हैं और 10 विभाग है वो राजकुमार आनंद गए हैं। कौन से विभाग है आपको बताते हैं। कैलाश गहलोत को फाइनेंस, प्लानिंग, पीडब्ल्यूडी, पावर, होम, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन और वाटर, ये कैलाश गहलोत को मिले। वहीं अगर बात करें राजकुमार आनंद की, तो देखिए जो दूसरा वित्त के बाद जो दूसरा बड़ा विभाग था वो एजुकेशन, तो एजुकेशन, लैंड एंड बिल्डिंग, विजिलेंस, सर्विस, टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इंडस्ट्री, ये तमाम जो विभाग हैं शिक्षा स्वास्थ्य को इसके समेत, वो राजकुमार आनंद को मिले हैं। अब इन मंत्रियों के पास जो पहले से विभाग थे वो रहेंगे। जिस तरीके कैलाश गहलोत के पास जो ट्रांसपोर्ट विभाग था, राजकुमार आनंद के पास जो है वो समाज कल्याण मंत्रालय था, वो रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो 18 विभाग मनीष सिसोदिया के थे वो इन दोनों मंत्रियों के बीच बांट दिए गए हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि देखिए अभी दोनों इस्तीफे हैं, भले केजरीवाल ने मंजूर कर लिए हैं, लेकिन वो एलजी के पास जाएंगे, उसके बाद आगे वो मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद किसका इंडक्शन हो सकता है। लेकिन अभी के लिए काम ना रुके। और सबसे बड़ी बात जो है दिल्ली के सामने प्रश्न वो ये है कि बजट कौन पेश करेगा। तो उस बात को लेकर अब साफ तौर पर तय हो गया है कि जो कैलाश गहलोत हैं वो ही बजट को दिल्ली विधानसभा में पेश करने वाले हैं। तो एक बार फिर से टीवी 9 भारतवर्ष की जो खबर है उस पर मोहर लग गई है। और बड़ी बात यही है कि मनीष सिसोदिया के जो 18 विभाग थे उनका बंटवारा दोनों मंत्रियों के बीच कर दिया गया है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए जितेंद्र भाटी।